मैं आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको दिया जा रहा है फ्री में सीयूईटी की प्रिपरेशन कराई जा रही है और रेगुलर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं सारे कन्फ्यूजन को आपको दूर किया जा रहा है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है सीयूईटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एनटीए ने रिलीज कर दिया है पैटर्न के बारे में और एग्जामिनेशन के डिटेल, बट आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कैसे होगा ये यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ दिया गया है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके जिस भी कोर्स में उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी ये यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेगा और उसके रिगार्डिंग वो एडमिशन लेगा। तो इसी विषय में जो भी आपके कन्फ्यूजन आ रहे हैं उस पर लेके हम वीडियोज बना रहे हैं और आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि जो चार सेक्शन का पेपर ले रहा है सीयूईटी आपका, एनटीए ले रहा है सीयूईटी के अंतर्गत, उसमें जो जनरल टेस्ट करके पेपर है उस पेपर में क्या होगा सिलेबस, क्या होगा पैटर्न और कैसे हम करेंगे इसकी तैयारी, इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे पूरे वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उस पे अगले वीडियोस आ जाएगी। और इस सीरीज में आपको लगातार जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे आप डील करेंगे, लैंग्वेज सेक्शन को कैसे करेंगे, डोमेन को कैसे करेंगे, सारे डाउट्स पे वीडियोस बना के आपको चैनल पे डिलीवर किए जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक यही है हमारे पास कि सर ये थोड़ा पेपर के बारे में समझते हैं कि ये जो चौथा सेक्शन है, ठीक है, आपका जनरल टेस्ट कर रहे हैं, इस सेक्शन का मतलब क्या है, कितने क्वेश्चन है, इस चीज को समझते हैं। तो इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इन 75 क्वेश्चंस में से आपको 60 क्वेश्चन ही करने होंगे, ठीक है, 15 आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इन 60 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट में करना होगा बालक, ठीक है, एक घंटे का यह पेपर होगा आपका जनरल टेस्ट का। यह पेपर सबको देना है, अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज बताएंगी कि किसको कितना पेपर देना है। तो अगर आप जनरल टेस्ट का पेपर लिख रहे हैं तो यह आपका सिलेबस होगा, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए यह मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक मोटा मोटी सिलेबस जो लिखा है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसको डिटेल में थोड़ा एक एक सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ठीके? तो जनरल नॉलेज जो होगा आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन जिसको कहते हैं वो आएगा, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड किए हैं, बाकी आपको जनरल नॉलेज के स्टैटिक जीके की डिटेल सिलेबस की वीडियो जैसे ही यूनिवर्सिटीज आपका रिलीज करेंगे कि उनको क्या क्या चाहिए, हम आपको एक से दो दिनों में रिलीज करके बता देंगे, ठीक है ना। तो ये एक मोटा मोटी सिलेबस है आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आपको डैम्स रिजर्वेशन के बारे में साइंटिफिक नेम पढ़ने होंगे, आपको आपको फेमस इन्वेंशन और इन्वेंटर के नाम पढ़ने होंगे, आपको गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ने होंगे, आपको इंडिया के मिसाइल्स के बारे में, कितनी लैंग्वेजेस चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स कितने रहे हैं, लिस्ट ऑफ कितने आईपीएल के विनर रहे हैं, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कितने हैं, हाईएस्ट पीक, लोवेस्ट पीक, मतलब जो भी जनरल जीके के सवाल होते हैं, विविध मिसलेनियस जिसको कहते हैं, वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। हमने एक मोटा मोटी आपको टॉपिक बता दिए, बट इतने ही टॉपिक नहीं होंगे, जब डिटेल में जनरल नॉलेज का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर बच्चों आपका, मुझे लगता है रिसेंट के करंट अफेयर दिसंबर जनवरी के बाद से लेके मई जून जुलाई तक के आपके सारे करंट अफेयर आएंगे, ठीक है। हम लोग आपको वीकली करंट अफेयर, एक हफ्ते में जितनी भी घटनाएं होती हैं और आपके एग्जाम में जितने भी सवाल बन सकते हैं उस पे लगातार सुबह 8 बजे संडे को सेशंस लेते हैं, हमारे नीतीश सर लेते हैं, एक्सपर्ट है वो, ठीक है, और वो करंट अफेयर आपको उससे तैयारी करनी है। तो आपका करंट अफेयर वहां से पूरा हो जाएगा, करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन वहां से नहीं बचेगा, सारी चीजें वहां पे डील करा दी जाएंगी जो आपके एंट्रेंस से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। बाकी आपको जैसे जो मेजर इवेंट्स हैं वो सारे, जैसे पद्मा अवार्ड हुआ था अभी, ठीक है, बजट आया था, तो ये सारे चीजों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इन सारे पे आपको सेशंस लिया गया है, प्लेलिस्ट में है, करंट अफेयर देख लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर में जो मेजर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेट करके चीजों को पूछेगा, जैसे आईपीएल हो रहा है तो उससे रिलेट करके पूछ सकता है, ठीक है, जो जो आपके लिए स्टैटिक से जिसको रिलेट किया जा सकते उसको पूछेगा, ताकि दोनों चीजों को आपके दिमाग को टेस्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो सिलेबस है हमारा जनरल एबिलिटी, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है।
रीजनिंग को कई पार्ट में यहां बांटा गया है, ठीक है, उसको आपको भी समझने की जरूरत है, ठीक है। एक होता है जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, जो नॉर्मल रीजनिंग होती है, जो सबको आनी चाहिए, जिसमें मैथमेटिकल पोर्शन इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रीजनिंग होती है, ठीक है, जिसमें एनालॉजी आता है, जो हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन आता है, सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, जो हमने आपको पढ़ाया है। ये दो चैप्टर तो हमने आपको चैनल पे पढ़ा दिया है, डायरेक्शन टेस्ट भी हमने पढ़ा दिया है, तीन चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, वेन डायग्राम भी हमने पढ़ा दिया है, चार लेक्चर, अल्फाबेट आता है, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, नंबर, रैंकिंग, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कुछ और टॉपिक्स जो छूटे हुए हैं वो भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे चैनल पे जल्द ही, ठीक है। तो आप रीजनिंग की भी क्लास हमसे फ्री में कर सकते हो, सारी जो भी चीजें सीयूईटी में आएंगी उन सारे का फ्री वीडियो लेक्चर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का सिलेबस होगा, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात। न्यूमेरिकल एबिलिटी कहे तो जनरल मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर कहे आम भाषा में तुम्हारे तो जनरल मैथ है, ठीक है, जनरल मैथ है। आपका क्या आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, रेशियो, परसेंटेज, फैक्टरिंग, एज, प्रॉफिट लॉस, मिसिंग नंबर, एवरेज, प्राइस एक्सपेंसर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, सीरीज कंप्लीशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैथ के हैं, ठीक है, जो जनरल मैथ के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। तो ये भी आएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी जनरल मैथ ही है, जनरल मैथ ही है, ठीक है, जनरल मैथ का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है। इसमें थोड़ा सा मैथ ज्यादा हो जाता है, जैसे आपका लिखा हुआ है, देखिए कि अर्थमेटिक आएगा आपके, ठीक है, उसके बाद आपका अलजेब्रा होगा, ठीक है, ज्योमेट्री होगा, मेंसुरेशन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद यही सारी चीजें, ठीक है, ये सारे आपके 8th ग्रेड तक के आएंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत कठिन आएगा इसके सवाल आएंगे, तो जो सवाल होंगे वो 8th लेवल के होंगे, बट वो बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं। तो इसमें जो मेन जो खेला इसमें होगा, ये सही गलत का नहीं होगा, इसमें टाइमिंग का खेला होगा, जो जल्दी करेगा वही टाइम आगे बढ़ेगा, उसके पास समय बचेगा तो वो ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएगा, ठीक है। यहां जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान दो फिर से बात को समझो, जो जनरल टेस्ट में सवाल आएंगे वो एक नॉर्मल लेवल के होंगे, एवरेज लेवल के होंगे, बट वहां पे तुमसे टाइम किल बहुत कराया जाएगा, ठीक है, तुमसे सिली मिस्टेक्स बहुत कराया जाएगा, और इनको कैसे अवॉइड करेंगे इस पे हम लोग अलग सेशंस में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, हम बहुत सारा चीजों को एक ही समझ लेंगे, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमारे सिली मिस्टेक्स दूर हो जाएंगे, हमारा टाइम इफिशियंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की, ठीक है। तो एक हो गई नॉर्मल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वाली, उसके बाद कुछ और आता है लॉजिकल और रीजनिंग, और ये देखो इसलिए पूछेगा लॉजिकल, इसमें तुम्हें अपने लॉजिक का यूज करना होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला होता है सिलोगिज्म, ठीक है, सिलोगिज्म अभी पढ़ाऊंगा, वेन डायग्राम पढ़ाया है, उसके बाद सिलोगिज्म ही पढ़ाना है। दूसरा होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा, एक उसके बेसिस में आर्ग्यूमेंट दे देगा, अब उसके बेसिस पे तुमको डिड्यूस करके आंसर निकालना होगा। तो तुमको खुद यहां सोचना होगा कि अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका अगर आर्ग्यूमेंट ये है तो इसका आंसर क्या, दोनों आर्ग्यूमेंट इसका सही है, स्टेटमेंट गलत है, क्या है, मतलब यहां तुम अपने एनालिटिकल ब्रेन को यूज करोगे, समझ रहे हो। यहां ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला होगा, यहां कोई ऐसा नहीं ट्रिक होगा या प्रैक्टिस होगा, यहां तुम्हारे दिमाग का यूज होगा, ठीक है ना। तो तुम कितना सोच पाते हो, तो जितने इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट और अजम्पशंस होगा, कि एक स्टेटमेंट देके अजम्पशंस पूछ लेगा, फिर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मतलब स्टेटमेंट देके सवाल पूछेगा, ये देखो 100% श्योर है, क्योंकि इसमें सवाल बहुत आते हैं स्टेटमेंट वाले सवाल, और एनालिटिकल रीजनिंग जब डालता है तो स्टेटमेंट वाले सवाल जरूर डालता है, ठीक है। कैसे सवाल होंगे वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। कंक्लूजन पूछेगा उसका, असर्शन रीजन आएगा, देखो ये तो 100% श्योर है, ठीक है। पंच लाइंस आएंगी, सिचुएशन रिएक्शन आएगा, कोई सिचुएशन में डाल देगा, सवाल में दे देगा, ठीक है, कि वहां पे क्या सही क्या गलत है उसको तुमको सही बताना होगा, ठीक है। तो यहां तुम्हारा असल रीजनिंग का असल जो यूज होता है ना, एनालिटिकल रीजनिंग में ही सही दिमाग का यूज होता है, बाकी तो वो
एक तरीके से वहां भी दिमाग का यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट वहां पे क्या होता है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा बहुत डिडक्शन का तरीका होता है, बट यहां तुम्हारे सिर्फ तुम किस तरीके से सोच पाते हो इस पे डिपेंड करता है और निकाल पाओगे, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट होगा कि अगर ये हो रहा है तो इसके इफेक्ट में ये हो रहा है, क्या ये कॉज सही है, क्या ये इफेक्ट सही है, और फिर एनालिटिकल रीजनिंग का मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। तो ये आपके रीजनिंग के सिलेबस में आएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम एक चीज बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी या प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी के बारे में। थोड़ा ध्यान से समझो, मुझे देखो अभी तक ये नहीं पता है हमें कि कितना क्या क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, बस हमें ये पता है 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखो मोटा मोटी अगर हम बात कर लें तो जनरल नॉलेज, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, रीजनिंग और उसके बाद जनरल मैथ, ठीक है, यही चार टॉपिक है मोटा मोटी अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब इन चार टॉपिक्स में मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि रीजनिंग के 30 सवाल होंगे, ठीक है, रीजनिंग के 25 सवाल होंगे, मैथ के 20 सवाल होंगे, जीके के 5 सवाल होंगे, करंट अफेयर के 10 सवाल होंगे। सही हो गया क्या? 15, 15, 5, 30, 30, 41, 20, 60, ठीक है। मुझे ये लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चार पांच क्वेश्चन भी, तो एक मोटा मोटी एवरेज रहेगा। देखो ये चीज हमेशा ये श्योर है कि रीजनिंग और मैथ जो है वो तुम्हारे करंट अफेयर प्लस जीके से ज्यादा होगा, ये तो श्योर है, ठीक है, ये चीज श्योर है, ठीक है। अब समझो बात को तुम, तो हम कैसे पढ़े सर, इसकी तैयारी कैसे करो। देखो जीके में क्या है, तुम्हारी मिसलेनियस जीके की क्लास चैनल पे फ्री में चलाई जाएंगी, ठीक है। मिसलेनियस जीके तुम्हें जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, मतलब याद करने वाली चीजें फैक्ट बेसिस पे है, इसको जितना फैक्ट्स को पढ़ोगे उतना तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। तो उसका लिख लिख के याद करो, जैसे भी याद करना है करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है, जितना भी है तुम्हें, ठीक है, कि कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, सारी चीजें बेसिक बेसिक डिटेल में, ठीक है। करंट अफेयर जो है बच्चों, ये भी आपका जो आएगा, ये जो रिसेंट में जो अच्छे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं उनके रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे। बाकी वीकली आप करंट अफेयर पढ़िए, डेली करंट अफेयर कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, उससे आपका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बट और भी सब्जेक्ट्स हैं तो टाइम नहीं है आपके पास, तो वीकली पढ़िए, जितना वीक का रहे उसको कंक्लूड कर लीजिए और उसको स्टैटिक पोर्शन से डील करके देखिए, ठीक है, कि जो जीके है उससे करंट अफेयर कैसे इंटरलिंक करता है, ये आपको नीतीश सर हर संडे जो 8 बजे क्लास लेते हैं वीकली उसमें समझाते हैं और बताते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग 25 क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, रीजनिंग मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे भरोसे रहिए आप, पूरी रीजनिंग आपको मैंने 30 लेक्चर अभी तक पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। रीजनिंग में एक ही चीज है बाबू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। रीजनिंग में ध्यान देना एक चीज का जरूर है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही तुम्हें सही होगा, क्योंकि एक एक वर्ड पे आंसर बदल जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है, अगर ओनली डाल देगा तो कुछ और होगा, नहीं डालेगा तो कुछ और होगा, तो रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर कोई किताब आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग डीपीपीज वगैरह आगे चल के देंगे तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड किताब है, आरएस अग्रवाल वगैरह या कोई भी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। जनरल मैथ के लिए क्या करना है, इसमें भी बाबू आपके पहले तो सारे फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले क्लियर है तो आप इजिली कर ले जाओगे, और ध्यान दो जनरल मैथ में आपको ट्रिक्स आने जरूरी है, अगर आप ट्रिक्स जानते हो, अगर आप इजिली कर लेते हो ट्रिक्स से, तभी आप जल्दी कर पाओगे जनरल मैथ। तो जनरल मैथ में आपको प्रैक्टिस तो करना है बट स्मार्टली करना है, ट्रिक्स के साथ करना है, ठीक है। तो ये जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग को करने का तरीका होगा। बाकी स्पेसिफिकली हम सारे टॉपिक्स पे, रीजनिंग पे एक अलग से लेके आएंगे वीडियो सिलेबस का, जनरल मैथ पे एक अलग लाएंगे, जीके और करंट अफेयर पे एक अलग लाएंगे, ठीक है। ये तीन वीडियो अलग से सिलेबस की आएगी चैनल पे, उसको रिस्पेक्टिव मेंटर्स जो है पढ़ाने वाले वो आपको बताएंगे। अभी एक ओवरऑल व्यू दिया गया आपको कि 60 क्वेश्चन अगर करने हैं तो कहां से आएंगे, किस तरीके से, हमारा एक माइंड मेकअप कैसे बनेगा, और पढ़ना चालू कर दो अब भी अगर आप किसी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो, क्योंकि अब देखो सारी चीजें क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे, तो जो पढ़ रहा है शुरू से उसको फायदा मिलेगा। मेहनत करने की आदत डालो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा, तो तुम्हें मेहनत की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई आपके अंदर डाउट बच गया है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आपकी दूसरी वीडियो लेके आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।